हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गौर, वेलकम टू लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछे जाएंगे और सी टेट में भी पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। प्लस इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी ऐसे एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअल में है क्या, और आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो लेकिन वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन वर्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता टैक्सोनॉमी होता क्या है। वो रट डालते हैं बट यही नहीं पता टैक्सोनॉमी क्या है। देखिए, जो ये ब्लूम है, ये तो उन साइकोलॉजिस्ट का नाम है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने टैक्सोनॉमी लाइक ये दी है, बेंजामिन ब्लूम जिनका नाम है ना। लेकिन हम यहां पे पहले इसकी बात करते हैं टैक्सोनॉमी होता क्या है। देखिए, टैक्सोनॉमी होता है साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। अब किस चीज की साइंटिफिक स्टडी? ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, मतलब जो चीजें हैं उनको ग्रुप में रखना या उनका क्लासिफिकेशन करना, या फिर ये कह लो हिंदी में कि वर्गीकरण करना, और उसकी साइंटिफिक स्टडी होती है टैक्सोनॉमी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट की, तो जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मैं दो रखूंगी थ्योरी, जैसे कि एक तो पियाजे की थ्योरी और एक वाइगोत्स्की की थ्योरी, और मॉरल डेवलपमेंट में मैं रखूंगी यहां पर गोलबर्ग की थ्योरी। तो ये क्या हो गया, मैंने जब आपको ऐसे अरेंज करके ग्रुप में रख दिया कि कोलबर्ग इस ग्रुप में आते हैं, पियाजे एंड वाइगोत्स्की इस ग्रुप में आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टैक्सोनॉमी। एक तरफ से समझाने का ये तरीका है मेरा कि ग्रुप में चीजों को रखना इज टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसकी साइंटिफिक स्टडी इज टैक्सोनॉमी, राइट। ओके, आगे इसको एक बार रब कर देती हूं मैं, लेकिन आपको इसका वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। ओके फाइन, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी पहली बात तो प्रोड्यूस किसने की थी, ये भी पूछ लिया जाता है। ये की थी बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है। कौन है बेंजामिन ब्लूम, जो कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, कहां पर, शिकागो में, शिकागो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये इन्होंने कब दी थी, 1956 में इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, 1956 में जब इन्होंने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, इसको बाद में ना रिवाइज भी किया गया था, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे कि रिवाइज करके इन्होंने क्या इसमें चेंजेस किए थे, है ना, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं रब कर दूं, तो ये तो था छोटा मोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ये है एक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट लर्निंग एंड ह्यूमन कॉग्निशन, ओके, ये इन सब का क्लासिफिकेशन होता है। अब इसको अगर बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि जो लर्निंग है ना, हमारा सीखने का जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ हेड से, लाइक इंटेलेक्चुअल या कॉग्निशन से नहीं होता, सिर्फ दिमाग से नहीं होता, और भी तरीके हैं सीखने के। तो इसके पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि लर्निंग के क्या क्या इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए हैं। तो लर्निंग जो है वो अलग अलग बिहेवियर से होती है, किससे होती है, अलग अलग बिहेवियर से होती है। तो इन्होंने उस बिहेवियर के डोमेन्स बताए हैं, कौन कौन बताए हैं, देखिए, एक तो है कॉग्निटिव, एक है अफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पे साइकोमोटर लिखने वाली थी और मैंने यहां पे रब करके अफेक्टिव कर दिया, मैं आपको तरीका बताऊंगी, क्योंकि पता है क्या, आपको चीजें ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, सी ए पी, तो याद रखना कैप ऐसे करके, तो आपको तीनों चीजें याद रहेंगी,
कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, अब देखो जो कॉग्निटिव है उसे क्या कहते हैं, अफेक्टिव को क्या कहते हैं, साइकोमोटर को क्या कहते हैं, अब इस पे बात करते हैं, अब इस पे बात करते हैं। देखिए कॉग्निटिव, कॉग्निटिव होता क्या है, आपका हेड, हेड वाला पार्ट कॉग्निटिव होता है, हम समझते किस चीज़ से हैं, इस वाले पार्ट से। अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल पार्ट, कॉग्निटिव पार्ट है ना, तो इसे क्या कहेंगे, इसको ना थ्री एचएस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसको कहेंगे हेड, कॉग्निटिव कौन सा पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है। अफेक्टिव क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है हार्ट। अब हार्ट क्यों कहा मैंने, कि लर्निंग नॉट ओनली कॉग्निटिव, अफेक्टिव तरीके से भी होती है, मतलब इमोशंस से भी होती है, फीलिंग से भी होती है, तो इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फीलिंग। ऐसे ही हम कॉग्निटिव को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं नोइंग, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। साइकोमोटर इसका तीसरा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, देखिए साइको मोटर, मोटर वाली चीजें कहीं भी आ जाएंगी। साइको मोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी, हाथ का कोऑर्डिनेशन, पैर का कोऑर्डिनेशन, आपके दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन भी, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हो आप एकदम क्या कहते हैं उसे, कि अटेंटिव रहते हो, है ना, अटेंटिव रहते हो तो, और अटेंटिव भी रहते हो साथ साथ हाथ का कोऑर्डिनेशन भी करते हो, एक्टिविटी करते हो कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है स्ट्रक्चर ये, तो उसे कहेंगे डूइंग। और एच एस में इसका नाम क्या है, एच एस में इसका नाम है हैंड। समझ में आ गया, अब देखिए एक सेकेंड, कॉग्निटिव हेड, अफेक्टिव हार्ट एंड साइकोमोटर इज हैंड। अब इसके पीछे रीजन आया समझ में, कॉग्निटिव जब हम चीजों को जानते हैं, लाइक हम चीजों को याद करते हैं, है ना, तो उसे कहेंगे नोइंग। अफेक्टिव मतलब जब हम चीजों को लर्न करते हैं विद द फीलिंग, इमोशंस के साथ, तो उसे कहेंगे अफेक्टिव। और जब हम चीजों को लर्न करते हैं विद एक्टिविटी, उसे कहेंगे हम साइकोमोटर, और जिसका सेकंड नेम होगा हैंड। तो इसलिए इसका नाम दिया गया ऐसे, थ्री एच एस। ओके, अब कॉग्निट, अब इन दोनों में ना आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, इन दोनों में आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव से। तो इसको लेते हुए चलते हैं, इसको आप सिर्फ इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रब कर देती हूं, अब हम कॉग्निटिव को एकदम डीप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूं कॉग्निटिव। अब देखिए कॉग्निटिव में मैंने कहा कि ये है हेड वाला पार्ट, मतलब जब आप कुछ चीजें याद करते हो। अब मैं आपको कुछ एक वर्ब बताऊंगी इसमें, जो आपको क्वेश्चन में ना डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको जब वो क्वेश्चन में वो वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब है आंसर उसका कॉग्निटिव है। जैसे कि देखिए, जब आप चीजों को याद करते हो मतलब रिमेंबर, या फिर जब आप चीजों को रिकॉल करते हो, रिकॉल पता है ना कोई चीजें, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको कोई स्टोरी दिखा दी मैंने आपको, और मैंने कहा अब रिकॉल करो कि उसमें क्या हुआ था, तो अब आप उस चीज को याद करेंगे कि उसमें हुआ क्या था, उसे कहते हैं रिकॉल करना। ठीक है, या फिर रिकॉग्निशन, पहचानना, तो रिमेंबर, रिकॉल, रिकॉग्निशन, या फिर आइडेंटिफाई, ये चार वर्ड अगर कहीं पे आ जाएं तो दैट मीन्स क्वेश्चन बात कर रहा है कॉग्निटिव की। ठीक है, कौन सी लर्निंग की, कॉग्निटिव लर्निंग की। तो ये चारों आपको वर्ड याद रखने हैं। ओके, अब देखिए ये जो कॉग्निटिव स्किल है, कॉग्निटिव लर्निंग है, इसमें बेंजामिन ब्लूम कहते हैं कि यहां से थिंकिंग स्किल जो है ना, क्या थिंकिंग स्किल, वो स्मॉल से अबव जाती है, मतलब लोअर से, लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाती है। तो इसलिए इन्होंने इसको 6 stages में बांटा है। तो वो 6 stages देख ले, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब बेंजामिन ब्लूम ने इनको एक प्रॉपर हायरार्कल वे में बांटा है, तो आपको हायरार्कल वे प्रॉपर याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है नॉलेज, ठीक है, फिर इसके ऊपर है कॉम्प्रिहेंशन, फिर इसके अबव है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अबव एनालिसिस। ठीक है,
अब एनालिसिस के अबव यहां पर मैं आपको बताऊंगी अभी एक चीज, सिंथेसिस, ठीक है। अब इसके ऊपर है इवैल्यूएशन। अब एक चीज ध्यान से सुनो मेरी, ये था हायरार्कल वे, जो कब दिया गया, ये दिया गया 1956 में। किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने। अब इसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है, और जब रिवाइज किया जाता है तो इसमें एक चेंज होता है, और बस एक दो के नाम चेंज होते हैं। अदरवाइज बात की जाए नाम अगर चेंज होने की, तो सेम मीनिंग है, लेकिन जो बिल्कुल शिफ्टिंग है वो यहां पर की जाती है इन दोनों में। जैसे कि जब इसको रिवाइज किया गया तो सेम यू का यू दिया गया, लेकिन जो सिंथेसिस है ना ये ऊपर दे दिया, और जो इवैल्यूएशन है उसको सिंथेसिस की जगह डाल दिया। मतलब जो सिंथेसिस है इसको यहां पर डाल दिया, और जो इवैल्यूएशन है इसको यहां पर डाल दिया। अब ऐसा क्यों किया वो भी बात करते हैं। देखिए, जब इसको रिवाइज किया गया, ऐसा कहा गया कि सिंथेसिस जो है वो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है, वहां तक पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इवैल्यूएशन आप फिर भी कर सकते हो, तो इसलिए सिंथेसिस ऊपर कर दिया और इवैल्यूएशन इन्होंने रिवीजन में नीचे कर दिया। ये चीज याद रखना। अब एक बार मैं आपको रिवीजन की टेबल बनाकर दिखा देती हूँ कि नाम में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ साथ साथ, ठीक है, अलग से एक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज को नाम दिया रिमेंबर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को दिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समझ, ठीक है, इसको क्या नाम दिया, और नॉलेज को कहते हैं हिंदी में याद रखना, इसको कहते हैं समझ, और कॉम्प्रिहेंशन को क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए मीनिंग बिल्कुल सेम है, ऐसे लग रहा है जैसे इसका सिनोनिम डाल दिया है ना। नाम में, सिर्फ नाम में चेंजेस है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसको भी हिंदी में याद करना कहते हैं, इसको हिंदी में समझना कहते हैं, और यहां पे वही सेम मीनिंग दे रखा है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज मतलब रिमेंबर, राइट। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, है ना। एनालिसिस को सेम दे दिया, बस एनालाइज लिख दिया, ओके। अब देखो यहां पर इवैल्यूएशन दिया, इवैल्यूएशन, ओके। और यहां पर क्या दिया, अब देखो यहां पर दिया तो सिंथेसिस ही है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज करके रखा क्रिएट, ओके। तो ये थी 2001 वाली रिवीजन, जो 2001 में हुई थी। अब देखो ये रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएशन, क्रिएट, इस तरीके से हम याद करेंगे। नाम हम सेम रखेंगे, लेकिन हम सिंथेसिस ऊपर करके याद करेंगे और इवैल्यूएशन नीचे करके। अब इसको हम अलग अलग समझते हैं, और अलग अलग समझने से पहले कुछ चीजें मैं और बता दूं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इस वीडियो के बाद कल जब ये वीडियो आएगी, या तो हम लाइव डिस्कशन में इसके क्वेश्चन रखेंगे, या फिर मैं अलग से वीडियो इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की ही बनाऊंगी, जिसमें जो मैं पढ़ा रही हूं अभी उसी में से क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन एक ये आता है कि इन सब स्टेजेस में से हायर एंड लोअर थिंकिंग कौन सी है। तो देखिए, हायर लोअर थिंकिंग, या लोअर नॉलेज कह लो, या लोअर अंडरस्टैंडिंग कह लो, तो ऐसा पाया गया। वैसे तो देखिए, अगर हम बात करें, इन तीनों को लोअर स्टेज में डाला है। किसको? इन तीनों को, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, किस में डाला है? लोअर स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। और जो ऊपर की तीन है उसको डाला है हायर स्टेज में। लेकिन क्वेश्चन एक इतना ट्रिकी आएगा अगर आपसे ये पूछा गया कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कौन सी है इनमें से, और हाई लाइक डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन सी है। आप हो जाओगे ना कंफ्यूज, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जो बहुत हायर लेवल की होती है। तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में इन तीनों को मार्क करके आ जाओगे, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड एनालिसिस, है ना। लेकिन और अगर आपसे ये पूछा गया कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कौन सी है, तो आप इन तीनों को लगा जाओगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अब देखिए, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग इनमें से कौन सी है, मैं इसको रब कर दूं, अब आप ये चीज समझ जाएंगे शायद, है ना। 2001 वाली साथ में लिख लेना इसके रिवीजन, ओके। अब मैं यहां पे समझाती हूं आपको। हालांकि एप्लीकेशन, सॉरी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, इनको डाला है लोअर स्टेज में, ठीक है, और इन तीनों ऊपर वाले स्टेजेस को डाला है
हायर स्टेज में। अब देखिए, अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, ठीक है, थिंकिंग यहां पे भी थिंकिंग लिख दूं, तो अब कौन सी स्टेज किस में आएगी ये देखते हैं। ये देखिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, इन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग में रखा है एनालिसिस को, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये हायर में है तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में जाएगी, इसको कन्वर्जेंट में ही रखा है। लेकिन जो ये दो स्टेजेस हैं, मतलब यहां पर इवेल्युएशन, यहां पर सिंथेसिस, इनको रखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है। अब रीजन क्या है इसके पीछे, ऐसा कहा गया ये जो चार स्टेजेस हैं नीचे की, इनको तो आप एमसीक्यू के थ्रू, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप टेस्ट कर सकते हो। तो इन चार थिंकिंग को, तो इन चार अंडरस्टैंडिंग को या लेवल को टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, आप इन दोनों को क्लासरूम में टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया इसे, इन दोनों को, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ओके, अभी हम इसको अलग अलग लेते हुए चलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, अगर मैंने नॉलेज में कहा कि बताओ नाउन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, तो आप नाउन के टाइप कब बताओगे, जब आपको वो याद होगी। फिर मैंने कहा अब बताओ कि नाउन के एग्जाम्पल, साइट सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन, कि एग्जाम्पल में नाउन को समझाओ, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल। फिर मैं कहूँ कि नाउन को क्या हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैं कहूँ कि अब बताओ नाउन एंड प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो आप उनको डिफरेंस तभी बता पाओगे ना जब आपने एनालाइज करा है। तो एनालाइज करोगे आप यहाँ पे कि नाउन में और प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंस है। अब इसमें इवेल्युएशन में क्या करोगे आप, अब मैं कहूँगी कि आपने नाउन भी देख लिया एनालाइज करके, प्रोनाउन भी देख लिया, तो अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने के लिए नाउन की ज़्यादा जरूरत होगी कि हमें प्रोनाउन की जरूरत होगी। तो इन दोनों में से ऑप्ट करना, चुनना, मतलब चुनना, ठीक है, कि इन दोनों में से किस चीज से सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट समझ आएगा, या ये सिचुएशन समझ आएगी, या फिर ये कॉम्प्रिहेंशन समझ आएगा, या ये लेसन नाउन से ज्यादा समझ आएगा, या प्रोनाउन यूज करके ज्यादा समझ आएगा। तो आप यहाँ पे इवेल्युएट करोगे, क्योंकि आप उससे पहले एनालाइज कर चुके हो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इनको डाल के। अब सिंथेसिस में क्या करोगे, जहां पर आपको क्रिएट करना है। तो मैं अगर कहूँ कि अब आप अपने एग्जाम्पल देकर एक अलग तरीके से नाउन को क्रिएट करो, ठीक है, तो ये हो गया सिंथेसिस। तो ऐसा एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ भी आएगा, क्योंकि आप जितने एग्जाम्पल से चीजें समझेंगे ना, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, उतनी ही अच्छी तभी समझ आएगी। बिलीव यू मी, इसी चीज से समझ आएगी जब आप जितने एग्जाम्पल करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन ऐसी है कि आप कभी ब्लूम टैक्सोनॉमी भूलेंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए, सपोज कीजिए मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, एक स्टोरी दिखा दी एक्चुअली, या एक फिल्म दिखाई, ठीक है, एक फिल्म का एग्जाम्पल भी लेंगे, कबीर सिंह फिल्म का, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये ब्लूम टैक्सोनॉमी फिर समझ में आएगी, देखते हैं। पहले एक बार एक स्टोरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक स्टोरी दिखाई मैंने आपको, है ना, तो स्टोरी दिखाई, तो मैंने पूछा और आपने वो स्टोरी देखी, तो मैं यहाँ पर टीचर और आप हो मेरे स्टूडेंट, तो एक टीचर होने के नाते मैं आपसे कहूँगी अब आप मुझे बताओ आपने उस स्टोरी में क्या देखा, तो आप मुझे उस स्टोरी के तीन फैक्ट बताओ। तो अब आप खुद सोचिए आपको वो तीन फैक्ट याद कब होंगे, कब बता पाओगे जब आपको वो याद होंगे, है ना, तीन फैक्ट मुझे कब बता पाओगे, जब आपने स्टोरी अच्छे से देखी और स्टोरी को याद किया, रिमेंबर किया। तो अब आप मुझे यहाँ पर रिकॉल करके स्टोरी सुनाओगे, कितने उसके कितने फैक्ट, तीन फैक्ट, क्योंकि मैंने कहा कि तीन फैक्ट सुनाओ, तो आप यहाँ पर तीन फैक्ट सुनाओगे। तो इसका मतलब जब आप उसे याद करोगे तब आप लाइक, या फिर उसे समझोगे उसको,
स्टोरी को, तब आप मुझे तीन फैक्ट बता पाओगे, या फिर मैं आपको कहूँ कि उस स्टोरी में कौन कौन था, कौन कौन हीरो था, तो इसका मतलब आपने हीरो पर ध्यान दिया, आपने उसको अच्छे से समझा, तो आप मुझे ये बता दोगे। तो ये होता है नॉलेज, ठीक है, कि चीजों को याद करना, या आप ये कह लो एक तरफ से, रटना वर्ड तो सही नहीं रहेगा, बट थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो ना आप मेरी बात, कि जब आप एग्जाम में जाते हो, आप एग्जाम में जाते हो तो सिर्फ यही चीज काम नहीं आती कि आपने टॉपिक समझा, आपको आपको पॉइंट्स भी काम आते हैं कि पॉइंट आपको प्रॉपर लिखने हैं, है ना। तो वो कैसे लिखोगे जब आप उसे याद करोगे, तो याद करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज है नॉलेज, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिख के आते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने ये चीजें याद की हैं, तो ये याद करना क्या है, नॉलेज है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अब इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो मैं कहूं, अब बताओ कि उस स्टोरी में हीरो कौन था, और उस स्टोरी के, मतलब हीरो का नाम पूछ लूंगी, और उस स्टोरी के एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल इन द सेंस जो स्टोरी आपने देखी उस स्टोरी के मिलते जुलते कुछ एग्जाम्पल बताओ अपने वर्ड में, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि स्टोरी कैसी थी, स्टोरी को अपने वर्ड्स में समझाओ, मतलब ओन वर्ड्स में, ओन वर्ड्स, कि खुद के वर्ड में समझाओ कि स्टोरी कैसी थी। अब आप जब भी समझा पाओगे ना, जब आपको वो समझ आई होगी, है ना, और आपको समझ कब आई होगी, जब आपने याद किया है, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। अब मैं कहूं आपको कि अब आप उस स्टोरी को सोचो, उस स्टोरी को सोचो और ये बताओ कि ये सिचुएशन अगर आप रियल लाइफ में फेस करो तो आप क्या करोगे, या फिर मैं आपको कहूं कि ये सिचुएशन को अप्लाई करो कि अगर आप हीरो की जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो आप अप्लाई करके देखोगे, तो इससे क्या हुआ, एप्लीकेशन, मतलब आपने रियल सिचुएशन में अप्लाई किया। नेक्स्ट है एनालाइज, अब संश्लेषण करो। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जब बड़े पार्ट को ना, जैसे बड़े पार्ट हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो मैं कहूं कि अब एनालाइज करो मूवी को, मतलब आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। अब आपने पार्ट्स में बांट दिया, अब मैंने कहा उस पार्ट को, अलग अलग पार्ट को टाइटल दो, आपने टाइटल भी दे दिया। और आप टाइटल भी कब दोगे, जब आप यहां पर याद करोगे, फिर आपको समझ भी आएगा, फिर आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई भी करोगे, तभी तो आप पार्ट्स में बांटोगे, पार्ट्स में बांटोगे तभी तो आप उसके टाइटल दोगे, है ना। फिर अगर मैं आपको कहूं कि इन पार्ट्स को बांटकर इनके टाइटल बताओ, और मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा पार्ट, जो आपने ये पार्ट बांटे हैं, इनमें से कौन सा पार्ट नेसेसरी है, या फिर कौन सा पार्ट हम काट सकते हैं जिससे मूवी पर कोई इफेक्ट ना आए, राइट। या मैं आपको ये कहूं, एनालाइज करो कि क्लाइमेक्स वाला पार्ट अच्छा था कि आफ्टर क्लाइमेक्स वाला पार्ट अच्छा था, ठीक है। अब इवैल्यूएशन पे आते हैं। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना। अब एक चीज ध्यान से सुनना, किसी चीज का मूल्यांकन आप जब भी करते हो जब आप उसमें अच्छे से एनालिसिस कर चुके हो। अब एनालिसिस कर लिया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा पार्ट सही है और कौन सा पार्ट सही नहीं है, कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट सही नहीं है, ओके। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा, मुझे ये बताओ कि कौन सा हीरो, दो हीरो थे लगा लो स्टोरी में, अगर मैं यूं कहूं इन दोनों हीरो में से, आपको दोनों हीरो में से कौन सा हीरो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या मैं ये कहूं कि हीरो आपको अच्छा लगा तो क्यों लगा, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आपको मूवी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी मैम, मैं कहूं कि क्या, क्यों लगी, रीजन बताओ मुझे। तो ये होता है इवेल्युएट करना, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि चीजों का यूं मूल्यांकन करना, क्या ये चीज सही थी, क्या ये चीज गलत थी, अगर सही थी तो क्यों और गलत थी तो क्यों। और साथ ही साथ दो चीजों में से जब एक चीज ऑप्ट आउट करनी हो, सपोज कीजिए मैंने कहा कि ये दो एप्पल हैं, ठीक है, इन एप्पल में वैरायटी है, अब इन दोनों में से चूज करो कि कौन सा मतलब जूस के लिए काम आएगा, कौन सा हम नॉर्मल खा सकते हैं, ठीक है। एक एप्पल में वैरायटी होती है ना, कुछ एप्पल ऐसे होते हैं जो बहुत जूसी होते हैं, तो मैं कहूं कि इनमें से बताओ कौन सा हम चाटे कौन सा ना चाटे। तो दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन पकड़ना बट विद एग्जांपल, उसे कहेंगे इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है सिंथेसिस, जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पार्ट है। अब मैं कहूं कि अब आप एक काम करो, अब आप सेम स्टोरी क्रिएट करो, वो होता है सिंथेसिस।
बहुत ही बड़ा पार्ट जब आपको कुछ नया क्रिएट करना हो, ठीक है, जैसे कि इन्वेंशन होते हैं ना, राइट, इन्वेंशन जो होते हैं वो सिंथेसिस में आते हैं, कि किसी ने इन्वेंट किया किसी चीज को, वो क्या किया, इन्होंने सिंथेसाइज किया उस चीज को, कुछ चीज को बहुत बड़ा बड़ी चीज को क्रिएट किया, जो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, राइट. मैंने कहा यहां पर क्रिएट करो स्टोरी को, अपने जो दोस्त है ना, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ और उनकी लिस्ट बना के मूवी क्रिएट करो. तो ऐसी चीजें होती है सिंथेसिस जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और हर कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, राइट. अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये प्रॉपर. ओके, आप सब ने एक मूवी तो देखी होगी, ये मूवी कबीर सिंह, जिसमें से हीरो कौन था, शाहिद कपूर था, और एक्ट्रेस कौन थी, मुझे उस एक्ट्रेस का नाम कियारा, आई थिंक, ओके, हाँ कियारा. लेकिन अगर इस मूवी में नाम नाम की बात करें तो कबीर उस लड़के का नाम था, प्रीति जो है वो उस लड़की का नाम था, ठीक है. अब इस मूवी के हिसाब से देखें एक बार, थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी हो जाएगा आपके लिए सेशन और आपको समझ भी आएगा. सुनो, आप ये मूवी देख के लाए, सपोज करो मैंने ऑर्गेनाइज किया स्कूल की तरफ से, आप मेरे स्टूडेंट हो एक स्कूल में, मैंने इस मूवी ऑर्गेनाइज करवाई और मैंने कहा मूवी दिखाने चलते हैं बच्चों को, मैं आपको मूवी दिखाने ले गई. आपने जब मूवी देखी मैंने कहा बताओ बेटा कि मूवी में आपने किस किस कैरेक्टर को देखा, तो आपको वो कैरेक्टर जब ही बता पाओगे जब आपने वो कैरेक्टर याद किए होंगे कि मैम प्रीति थी एक और एक हीरो था कबीर, है ना. अब देखो, अब मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, अब मैंने कहा कि अब ये बताओ ये जो स्टोरी है इसको आप अपने एग्जाम्पल में या फिर इस स्टोरी को आप अपने वर्ड्स में, खुद के वर्ड में कैसे बता सकते हो. अब आप वो भी बता दोगे कि मैम ऐसे ऐसे हुआ था, कबीर जो है वो प्रीति से, मैडम प्रीति से शादी करना चाहता था लेकिन शादी नहीं हो पाई, ऐसे ऐसे करके आप स्टोरी को फैब्रिकेट करोगे अपने वर्ड्स में. तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अब आपने उसे याद करके क्या करा है, समझा है कैरेक्टर्स को. अब इस पे आते हैं एप्लीकेशन पे. अब मैं कहूँ चलो बताओ क्या कबीर सिंह और प्रीति वाली सिचुएशन रियल लाइफ में हो सकती है, तो आप कहोगे यस मैम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. फिर मैं कहूंगी अच्छा सपोज करो अगर आप प्रीति होते, आप कबीर होते तो आप क्या करते, तो अब आप अपने आप को अप्लाई करके बोलोगे, तो वो हो गया एप्लीकेशन कि आपने रियल लाइफ में अप्लाई किया उसको, ठीक है. अब मैं कहूं कि अब सॉरी यहां पर आते हैं एनालिसिस. ओके, अब मैं कहूं कि अब ये बताओ कि जो आपने ये मूवी देखी, इस मूवी में जो क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स वाला पार्ट सही था या क्लाइमेक्स से बाद वाला पार्ट अच्छा था, और जो पार्ट गलत था वो भी बताओ कि क्यों पार्ट वो इतना लाइक पॉपुलर नहीं हुआ, या क्लाइमेक्स से पहले वाला पार्ट इतना इंटरेस्टिंग क्यों था. अब आप एनालाइज करोगे, संश्लेषण करोगे, चीजों को तोड़ोगे, और मैं कहूंगी हर सीन को तोड़ तोड़ के बताओ इस सीन में क्या हो सकता था, इस सीन में क्या हो सकता था, ठीक है. तो ये हो गया एनालाइज करना, राइट. अब इवेल्युएशन पे आते हैं. इवेल्युएशन पे मैंने कहा कि अब ये बताओ कि जो ये कबीर सिंह है और जो ये प्रीति है, इन दोनों में से कौन सा सही था, क्या प्रीति सही थी कि वो उसे छोड़कर चली गई थी, या कबीर सही था कि उसने उसका वेट किया. तो ऐसी चीजें इवेल्युएट करो, मूल्यांकन करो, है ना. अब सिंथेसिस में देखो, सिंथेसिस में क्या होता है, अब मैं कहूं कि बताओ मूवी तो खत्म हो गई यहां पर, अब आप इससे अबव अगर इस स्टोरी को आगे बढ़ाते तो आप क्या लिखते, तो अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, मूवी को आगे क्रिएट कर रहे हो ना आप मूवी को. मैंने कहा मूवी इस पार्ट पर एंड हो गई कि कबीर और प्रीति मिल गए, अब आप बताओ उनके मिलने के बाद क्या, क्या उनका घर परिवार आगे बढ़ता है, या आगे उनका डाइवोर्स होता है, या आगे क्या, आप उनका क्या लिख सकते हो मूवी का. तो मूवी से आगे बढ़ाकर लिखना, तो वो हो गया आपका क्रिएटिंग पार्ट, वो हो गया आपका क्रिएटिंग वर्क, है ना, क्रिएटिव वर्क. तो उसे कहेंगे सिंथेसाइज करना, कि आपको मैंने कहा कि अब ये मूवी यहां एंड हो गई, अब इसको आगे बढ़ाओ, अब आप कैसे बढ़ाओगे, ये हो गया सिंथेसाइज करना. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी प्रॉपर तरीके से. अब इसको ना कैसे पूछा जाएगा सीटेट में, वो हम करेंगे इसके एमसीक्यू में, ठीक है. तो कल हम इसकी एक वीडियो लाएंगे, सिर्फ ब्लूम टैक्सोनॉमी के हम क्वेश्चन देखेंगे, ओके. और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे जो लिंक है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और आपको मेरा चैनल अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच.